साहित्य अनुरागी तथा समस्त हिंदू धर्मावलंबी पाठक पाठिका को आमर विषय को स्वागत करुछु। सही वेद वचन उपर पर्यवेक्षित श्रुति एवं स्मृतिर एक अभिन्न प्रसंग को आज आपण मानक निकट में आलोचना करने को जाऊ। दयाकोरी श्रवण करने को वेदर अन्य नाम होची श्रुति। प्रति सृष्टिर प्रारंभ रे सनातन वेद ज्ञान निष्पाप ऋषि मानंकर अंतकरण रे श्रुत हुए, ताहा अंतःश्रवण। सूर्य वायु जल प्रभृति ऐश्वर्य पदार्थ परी वेद मंत्र सब सृष्टि रे समान रूप रे प्राप्त हुए, कारण मनुष्य को दिग्दर्शन देवाई ताहा परमात्मा बाणी। परंतु परवर्ती आचार्य माने स्मृति ग्रंथगुड़ी को वेदोक्त उपदेश अनुसारे सरल भाषा रे रचना करिछन्ति। सेमाने वेदरु संदेश ग्रहण करी व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक रीतिनीति शासन व्यवस्था आदि विषय रे कर्तव्य कर्तव्य निरूपण करिछन्ति। श्रुति आश्रय परंतु स्मृति आश्रित, वेद स्वत प्रमाण अर्थात ताहार निर्देश पाई अन्य प्रमाण रे आवश्यकता नाही। स्मृति परतः प्रमाण अर्थात ताहार योग्यता श्रुति वाक्यर अनुकूलता उपरे निर्भर करे। श्रुति बा वेदरे मिश्रण करिबा संभव नुहे, कारण ताहार भाषा संस्कृत नुहे, ताहा अलौकिक शैली रे प्रकाशित होईछि। परंतु स्मृति ग्रंथगुड़िक सरल भाषा रे लिखित, सेथिरे मिश्रण बा प्रक्षेप सहज साध्य। श्रुति स्मृति मध्यरे कौनसी विषय रे मतांतर हेले श्रुति अर्थात वेद ही प्रामाणिक। श्रुति ऐश्वर्य ज्ञान, स्मृति आदि अन्य समस्त ग्रंथ मनुष्य रचित शास्त्र, दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथ तुलनारे स्मृति गुड़िक मनुष्यर दैनंदिन जीवन सहित अधिक संबंध रखे। एगुड़िकरे पति पत्नीर कर्तव्य ब्राह्मण आदि गुण कर्मकर्त वर्ण ब्रह्मचर्य आदि आश्रम शासकर कर्तव्य कर निर्णय दंडविधान इत्यादि विषय वर्णित होइछि। तेणु स्वार्थी लोके स्वार्थ सिद्धि पाई स्मृति ग्रंथरे मिश्रण करिछन्ति। ऋषि जाबाळ कहिछन्ति श्रुति और स्मृति मध्यरे विरोध हेले श्रुति वचन ग्रहणीय होइथा। उलुक्क भट्ट मनुस्मृति भाष्यरे लिखिछन्ति जेतेबेले श्रुति और स्मृति मध्यरे असामंजस्य प्रतीत देखा जाए सेतेबेले श्रुतिवाक्य अमान्य हुए, स्मृतिवाक्य अमान्य हुए। जैमिनी मुनि मीमांसा दर्शन रे वेद विरोधी स्मृतिवाक्य अप्रमाणिक कहिछन्ति। बहु वेद विरोधी विचार रहितिबा पुराण माने मध्य यहा स्वीकार करिछन्ति जे श्रुति विरोध शास्त्र बाधा प्राप्त अर्थात अग्राह्य। चक्यवक्य स्मृति रे कहा जाइछि वेद ठारो बळी शास्त्र नाही, कारण समस्त शास्त्रर मूल उत्स हेउछि वेद। स्वामी विवेकानंद मध्य एही विषय रे स्पष्टीकरण करि देइछन्ति जे श्रुति बा वेद रे जीवात्मा ओ परमात्मार स्वरूप उभयंकर सम्बन्ध उल्लेख अछि। द्वितीय प्रकार सद्ग्रंथ मानुषी रचना यथा मनु याज्ञवल्क्य आदि ऋषि मानंकर रचित स्मृतिशास्त्र तथा पुराण ठारु आरंभ करि तंत्र ग्रंथ ए सबु श्रुति बा वेदर अधीन अर्थात एगुड़िकरे कौनसी वेद विरुद्ध मत थिले
वेदवाक्यकु ही स्वीकार करिबाकु पड़िबो। अन्य स्थल रे स्वामीजी वेद को स्वामी एवं अन्य सकल मनुष्य शास्त्र को नृत्य बोली कहिसंति, अर्थात नृत्य स्वामी न निर्देश पालन करिबा परि सब शास्त्र वेद रो अधीन। यही श्रुति एवं स्मृति रो विशेषता। जय जगन्नाथ।